तो हाँ जी फ्रेंड, कैसे हो? तो फ्रेंड ये देख रहे हैं आप गाड़ी, ये है निशान सनी। तो इसमें फ्रेंड प्रॉब्लम आ गई, इसकी जो टाइमिंग बेल्ट में जो बाहर वाली कंप्रेशर वाली बेल्ट होती है वो अंदर जाके फंस गई है। तो जो कंप्रेशर की बेल्ट होती है वो सारी पूरी की पूरी अंदर क्रैंक पुली के नीचे वाली पुली में जाकर लपेटी गई है। तो टाइमिंग बेल्ट वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, तो उसके दांतें भी टूट गए हैं। ये देख सकते हैं आप, जो टाइमिंग बेल्ट के दांतें होते हैं वो सारे के सारे काफ़ी टूट गए हैं। देखो ये पूरी लाइन, ये दांते इसके पूरे टूट गए हैं, तो बेल्ट पूरी सीधी हो गई है। ये देखो दांते, जो कंप्रेशर वाली बेल्ट थी तो वो फ्रेंड अंदर वाली बेल्ट में जाके फंस गई है, लपेटी गई अंदर पूरी। तो फ्रेंड जो इसके टाइमिंग बेल्ट के कवर होते हैं बाहर वाले, वो बहुत बेकार कंपनी ने बनाए हैं, उसका कोई सेफ्टी नहीं है, वो बेकार ही है, ना कोई उसका लॉक लगता है। तो बाहर वाली बेल्ट जाके अंदर फंस गई है। ये देखो पूरा बेल्ट अंदर पूरी क्रैंक पुली के साथ लपेटी गई है अंदर वाली से। तो जो टाइमिंग बेल्ट है बहुत ज़्यादा टाइट हुई है, पूरी दबी नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है। तो टाइमिंग इसका आउट हो गया है। तो गाड़ी कस्टमर ने पहले स्टार्ट की तो आवाज़ आने लग गई, गाड़ी कस्टमर ने बंद की, बाद में फिर स्टार्ट की तो गाड़ी बंद स्टार्ट होकर बंद हो गई, तो उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। तो ये देखो बाहर वाली बेल्ट का बुरा हाल हो गया, धागे धागे बन गए हैं, या सारी अंदर की तरफ क्रैंक पुली के साथ लपेटी गई है। शायद इसका जो बेल्ट एडजस्टर है बाहर वाला वो शायद ख़राब होगा, तो बेल्ट निकल गई है, तो वो भी हम अब चेंज करेंगे। ये देखो फ्रेंड नीचे देख सकते हैं हम क्रैंक पुली के साथ कितनी ज़्यादा बेल्ट अंदर लपेटी गई है, बुरा हाल हो गया। तो खोल के दिखाते हैं आपको, देखते रहना आप वीडियो। क्रैंक पुली निकालते हैं बाहर, सारी की सारी बेल्ट पूरी की पूरी अंदर लपेटी गई है, बहुत ही बुरा केस हुआ है ये इस गाड़ी के साथ। ये है निशान सनी फ्रेंड। तो टाइम बेल्ट को काट के निकालना पड़ेगा, ऐसे वैसे तो बेल्ट निकल नहीं रही, तो ना ही इंजन घूम रहा है इसका। तो बेल्ट को काटते हैं फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, बेल्ट कट हो गई है, तो निकालते हैं बाहर और क्रैंक पुली भी खोलते हैं इसकी। तो फिर इसका टाइमिंग बेल्ट वगैरह नहीं डालेंगे, रजिस्टर वगैरह नया डालेंगे, और बाहर वाला अंदर वाला रजिस्टर नया डालेंगे। तो टाइमिंग करते हैं इसका बेल्ट टाइमिंग करके फिर देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके, अगर स्टार्ट होती है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं देखेंगे कोई इसका हेड का वॉल वगैरह ना वींगा हो गया हो। तो पहले करते हैं इसका टाइमिंग वगैरह, निकालते हैं इसको बेल्ट को बाहर। ये देखो कितने ज़्यादा इसके दांते टूट गए हैं, बुरा हाल हो गया टाइमिंग बेल्ट का। तो हाँ जी फ्रेंड, ये देखो क्रैंक पुली हमने बाहर निकाल ली है, तो देखो कितनी ज़्यादा अंदर बेल्ट लपेटी गई है। ये देखो कितना गोल गोल बन गया सब कुछ इसका, बाहरली वाली बेल्ट का धागे धागे हो गए पूरे। ये देखो फ्रेंड क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है, कितने धागे धागे बन गए बेल्ट के फ्रेंड, वो हो बुरा हाल हो गया बेल्ट का, बाहर वाली का तो एसी वाली बेल्ट का। बहुत बुरा हाल हो गया इसका बेल्ट का फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, निकालते इसकी जो टाइमिंग वाली क्रैंक वाली ये पुली बाहर, और करते हैं इसको इंजन को टाइमिंग पर। तो फिर पूरा टाइमिंग करके मिलाते हैं कैम शाफ्ट से टाइमिंग इसका, तो और काटते हैं फिर देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। ये देखो इसके कितने सारे दांते टूट गए हैं बेल्ट के, टाइमिंग बेल्ट के, देखो फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, करते हैं इसको फिट दोबारा। तो हाँ जी फ्रेंड, हमने आगे से इसकी पूरी साफ़ सफाई कर ली है, और नीचे से इसकी जो क्रैंक सील होती है वो भी ख़राब हो गई थी बेल्ट अंदर जाने से, वो भी नहीं डाल रहे हैं। और ये इसका बेल्ट का बेल्ट की किट मिली है हमें पूरा बॉक्स में, टाइमिंग बेल्ट है, अंदरला रजिस्टर है बेल्ट का, रजिस्टर रूला है ये, और इसके केम बोल्ट क्रैंक बोल्ट और रजिस्टर बोल्ट का बोल्ट आया है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड, आईएन कंपनी की किट है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। इसका प्रिंट प्राइस बॉक्स प्राइस है 3900 रुपये। और ये इसकी क्रैंक सील है, सील किट पूरी मिली है इंजन की, जो हम नीचे क्रैंक सील में डालेंगे। और ये इसका बाहरली बेल्ट एसी वाली बेल्ट है, और एक रजिस्टर रूला है, बेल्ट का नंबर है 6PK1200 नंबर। ठीक है फ्रेंड, ये रजिस्टर रूला है, ओरिजिनल गेट्स कंपनी का मिला है ये हमें किट पूरी, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका प्राइस है 2475 रुपये बॉक्स पर। ठीक है फ्रेंड, और करते हैं इसको फिट। तो हाँ जी फ्रेंड, हमने इसकी क्रैंक की सील नीचे डाल दी है, पूरी अच्छी तरह से फिट हो गई है।
अब इसका करते हैं टाइमिंग, टाइमिंग करके ओके तो चढ़ाते हैं इस पर बेल्ट। ठीक है फ्रेंड, दिखा दें आपको भी टाइमिंग। तो हाँ जी फ्रेंड, हम इसकी बेल्ट डालने लगे थे, फिट करने लगे, तो हमने इसका टाइमिंग करने लगे तो इसका टाइमिंग पूरा मार्क पर नहीं आया, इसका जो कैम का टाइमिंग पूरा मिल नहीं रहा था। हमने क्रैंक को आगे पीछे काफ़ी करके देखा, बट जो कैम का टाइमिंग जहाँ इसके जहाँ बोल्ट फंसना चाहिए 3 नंबर के, वो बोल्ट का जो करारी का होल आ ही नहीं रहा था, पीछे रह जाता था। तो काफ़ी कोशिश की हमने इसको टाइम बुलाने की, हमने सोचा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो नीचे से क्रैंक को आगे पीछे घुमा कर देखा, काफ़ी कुछ किया, बट जो कैम का टाइमिंग पूरा होल पर जा ही नहीं रहा था, गरारी फंस नहीं रहा। तो हमने इसका टैबट कर उठाया, हमने सोचा शायद इसके हेड के वाल विंगे हो गए हैं, बेंड हो गए, तो हमने देखा टैबट कर के हेड के वाल भी बस एक वाल ये थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है, बट वो उसका भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद हमने इसकी कैम निकाली बाहर, तो कैम बाहर निकाली तो हमने एक सेकंड हैंड कैम भी लेकर आंदी, वो भी आपको बता दें क्यों लेकर आंदी है, क्या प्रॉब्लम इसमें निकली। हमने सोचा इसकी ये टो है, टो घूम जाती है, बोर्ड फेस्टाप की भी घूम जाती है टो जो वगैरह जे वे इतनी ज़ोर से इसको झटका लगा है जैसे कि इसका टाइम आउट हो गया। हमने सोचा इसकी टो घूम गई है, तो हमने पुरानी कैम सेकंड हैंड मंगवाई, तो वो टो मिलाकर देखी तो टो भी बिल्कुल ओके थी। तो बाद में हम फ्रेंड इसके जो हमने गरारी का बोल्ट खोला, गरारी का जो बोल्ट पूरा टाइट खुला है, तो खोला तो देखा ये जो इसकी गरारी की कार्टर पिन है, कार्टर पिन ये टूटी हुई थी। देखो फ्रेंड, जहाँ से कैम शाफ्ट भी ख़राब हो गई है, ये इसका क्रैंक कैम की का ये देखो, जो ये देखो गरारी में जो कार्टर पिन होती है ये टूट गई है, और ये रहा इसका पीस टुकड़ा कार्टर पिन का। तो बोल्ट इसका कैम गरारी का बहुत ज़्यादा टाइट था फ्रेंड, ऐसा नहीं है बोल्ट भी लूज़ था, बोल्ट बिल्कुल टाइट था, बोल्ट रॉड से ही खोला है इसका, गोटी रॉड से ही खोला है, बहुत ज़्यादा टाइट खोला है ऐसा नहीं, बट जो गाड़ी को झटका लगा तो बोल्ट ये गरारी घूम गई है, कैम घूमी नहीं। तो ये वाला होल है जो टाइमिंग हम करते हैं 3 नंबर के बोल्ट डालते हैं, जो पूरा सही लोकेशन पर आ ही नहीं रहा था। हमने सोचा शायद इसकी टो घूम गई है, बट नहीं, हमने सेकंड हैंड कैम मंगाई तो टो भी बिल्कुल ओके थी। बाद में इसका हमने गरारी का बोल्ट खोला तो देखा जी जो गरारी की कार्टर पिन टूटी निकली। तो ठीक है फ्रेंड, अब इसकी गरारी डालेंगे और कैम भी दूसरी डालेंगे सेकंड हैंड। तो ठीक है फ्रेंड, ये देखो इसकी कार्टर पिन टूटी हुई है, तो इस करके ये टाइमिंग इसका बराबर आ ही नहीं रहा था, प्रॉपर मिल ही नहीं रहा था, तो बोल्ट भी इसका पूरा टाइट था। तो अब दिखाते हैं आपको ये सेकंड हैंड कैम जो लेकर आंदी है, इसकी कार्टर दिखाते हैं जो गरारी के साथ फिक्स ही होती है फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड, ये गरारी के साथ छोटी सी कार्टर है कंपनी ने बनाई, तो ये फिक्स होती है, यही टूट गई थी पुरानी वाली की, इस करके वो टाइमिंग पूरा मैच ही नहीं हो रहा था, सही लोकेशन पर आ ही नहीं रहा था टाइमिंग। तो ठीक है फ्रेंड, फिर करते हैं इसको फिट केम को, तो फिर करते हैं इसका टाइमिंग, दिखाते हैं आपको टाइमिंग और आगे गाड़ी स्टार्ट करके। ठीक है फ्रेंड, आप वीडियो देखते रहें। तो सॉरी फ्रेंड, मैं टाइमिंग की वीडियो बना नहीं पाया, तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ गया कहीं दूर, तो इस करके वर्करों ने गाड़ी को फिट कर दिया जल्दी जल्दी, तो आपको मैं दिखाता हूँ अब थोड़ा सा टाइमिंग। तो टाइमिंग इसका अब प्रॉपर बिल्कुल ओके आ गया है सही लोकेशन पर, तो कैम भी बिल्कुल ओके है, फ्री है, स्मूथ है, कोई टाइट नहीं, ये ज़रूर चेक करनी है अगर कोई सेकंड हैंड कैम डालते हैं तो। तो ठीक है फ्रेंड, अब टाइमिंग पर तो नहीं है कैम पंप वगैरह, तो वैसे ही आपको बता देता हूँ। तो ये डॉट देख रहे हैं फ्रेंड आप, पंप की गरारी है ये, हाई प्रेशर पंप की गरारी, ये डॉट देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये डॉट फ्रेंड ऊपर की तरफ आना चाहिए, आपको दिखाते हैं कहाँ आना चाहिए। ये जो आप बोल्ट देख रहे हैं फ्रेंड लगा, इस पर सीधा आना चाहिए ये मार्क डॉट, ये डॉट सीधा इसकी तरफ होना चाहिए, इसका गरारी का दांता। ठीक है फ्रेंड, और ये कैम शाफ्ट का होल देख रहे हैं गरारी का, ये होल पहले मैच ही नहीं आ रहा था, ये सीधा वहाँ होल जाता है जहाँ से इसका 13 नंबर का बोल्ट लग जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये कैम का होल से जहाँ से बोल्ट पड़ता है और वो पीछे हेड में जाके फंस जाता है। ठीक है फ्रेंड, जहाँ इसका कैम का टाइमिंग जहाँ आएगा। ठीक है फ्रेंड,
और जो क्रैंक पुली का टाइम का दोस्तों, वो जो क्रैंक पुली में कार्टर होती है सीधी, वो ऊपर की तरफ आएगी, तो उसको ऊपर की तरफ करके आप टाइमिंग कर सकते हैं बिल्कुल सीधी। और बाकी सेल्फ के नीचे भी एक होल बोल्ट लगाया था, वहाँ से उसको एक लंबा सा बोल्ट डाल के आप क्रैंक को लॉक कर सकते हैं। बाकी आप और यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं वीडियो बना नहीं पाया अच्छी तरह से, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइमिंग बता दूंगा इसका। तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ गया था, इस करके टाइम की पूरी वीडियो मैं बना नहीं पाया। तो ये थी इसकी सेकंड हैंड केम। तो ठीक है फ्रेंड, करते हैं इसको स्टार्ट। ये जहाँ से काट रहा इसकी टूट गई थी, इसी वजह से इसका पूरा केम का टाइमिंग पूरा सही लोकेशन पर आ ही नहीं रहा था। ठीक है फ्रेंड, हमने पहले काफ़ी इसको देखा गरारी का, शायद हमने क्या बोल्ट टूट गया हो, बट बोल्ट देखा तो बोल्ट भी पूरा टाइट था। तो हमें काफ़ी इसको टाइम देखने में टाइम ख़राब हो गया, क्योंकि हमारे पास सेकंड हैंड केम भी दूसरी नहीं थी। हमने सेकंड हैंड केम मंगवाई कस्टमर से, तो और लेकर आया, हमने सोचा इसकी टो घूम गई होगी, बट कि टो भी नहीं इसकी घूमी थी, तो निकले इसकी कार्टर पिन टूटी। तो हाँ जी फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट गाड़ी को। तो ठीक है फ्रेंड, गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट हो गई है। तो अभी इसका जो केम सेंसर भी नहीं लगाया, वो आगे माउंट लगाना है, उस पर केम सेंसर फिट होता है, उसका कैपलर लगा है, जो मैं मेरे हाथ में देख रहे हैं यहाँ पकड़ा हुआ, केम सेंसर का कैपलर है वो। तो गाड़ी फिर भी स्टार्ट है, गाड़ी की आवाज़ थोड़ा सा एक एक दो उसके वाल्व मिस कर रहे हैं, उस पर चोट लग गई है, तो इसी कारण वो थोड़ा से मिसिंग कर रहे हैं हेड के वाल्व। बट कोई प्रॉब्लम फ्रेंड, वो गाड़ी थोड़ी सी 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल जाएगी, तो आवाज़ बिल्कुल ओके हो जाएगी। बाकी कस्टमर जैसा कहेगा वैसा कर देंगे हम काम। ठीक है, अगर वो वालों का भी मिसिंग हटाना हो तो होगा, तो वो हेड को पटना पड़ेगा, तो नए हेड के वाल लगाने पड़ेंगे, बट कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ठीक है फ्रेंड, गाड़ी ओके हो गई है, अब इसको कर देंगे पूरा फिट। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर कोई आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है।